आप हमको 75 जिलों का नाम जो है बताइए, ठीक है? बताइए। अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बदायूं, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, बुलंदशहर, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, देवरिया, इटवा, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतम नगर, गोंडा, गाजीपुर, हाथरस, समीरपुर, हरदोई, यहाँपुर, जौनपुर, जालौन, झांसी, कानपुर, दैत, कानपुर, कुशीनगर, कन्नौज, कौसम, विकासगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, महाराजगंज, मथुरा, मैनपुर, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सोनभद्र, शानभली, सहारनपुर, संभल, सुल्तानपुर, सीतापुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, शाहपुर, श्रावस्तीनाथ, वाराणसी। देखकर हो गए ना हैरान, इस बच्ची ने बिना रुके सिर्फ 38 सेकंड में यूपी के 75 जिलों के नाम गिना दिए, वो भी अक्षरों के क्रम के हिसाब से, जैसे पहले अ से आने वाले नाम इसी तरह से आगे क ख ग से आने वाले नाम, यानी अलीगढ़ से वाराणसी तक। यूपी के 75 जिलों के नाम एक सांस में गिनाने वाली इस टैलेंटेड बच्ची का नाम अंकिता चौरसिया है। अंकिता चौथी कक्षा की छात्रा है और देवरिया के सदर ब्लॉक के आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर में पढ़ती है। इतना ही नहीं, बच्ची ने बताया कि इसे 21 तक पहाड़े भी याद हैं और धड़ाधड़ 21 का पहाड़ा भी सुना दिया। और आपको क्या याद है, पहाड़ा बता रही थी आप, कितना के पहाड़ा याद है आपको? 21 तक। 21 का पहाड़ा सुनाइए। 21 के 21, 21 दिन, 42, 21, 33, 63, 21, 24, 84, 21, 25, 25, 26, 26, 126, 21, 27, 21, 47, 21, 28, 28, 21, 29, 29, 21, 29, 210। एक बार फिर आपको सुनाते हैं बच्ची ने कैसे धड़ाधड़ सिर्फ 38 सेकंड में यूपी के 75 जिलों के नाम गिना दिए। आप हमको 75 जिलों का नाम जो है बताइए, ठीक है? बताइए। अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बदायूं, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, बुलंदशहर, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, देवरिया, इटवा, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतम नगर, गोंडा, गाजीपुर, हाथरस, समीरपुर, हरदोई, यहाँपुर, जौनपुर, जालौन, झांसी, कानपुर, दैत, कानपुर, कुशीनगर, कन्नौज, कौसम, विकासगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, महाराजगंज, मथुरा, मैनपुर, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सोनभद्र, शानभली, सहारनपुर, संभल, सुल्तानपुर, सीतापुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, शाहपुर, श्रावस्तीनाथ, वाराणसी। सरकारी स्कूल की बच्ची का ये टैलेंट देखकर सब हैरान हैं। बच्ची के स्कूल के टीचर ने इस बारे में क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। सर ये बताइए कि ये जो बच्ची आपके वायरल हुआ है, आपके क्लास, आपके स्कूल की बच्ची क्लास फोर्थ की है, जी जी, तो कैसे आप बच्चों को ट्रेंड करते हैं और कितने दिनों से इसको याद है ये? जैसे ये शुरू से ही कॉन्वेंट को मात देने के लिए, जो कॉन्वेंट विद्यालय है उसमें बच्चों को तमाम कंपटीशन कराए जाते हैं, उसी तर्ज पे हम लोगों ने परिषद में भी इन बच्चों के बीच में कंपटीशन की बात रखी और उसमें इनाम की घोषणा की जाती है और जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छे तरह से करते हैं, तो उनको इनाम भी दिया जाता है और समय समय पर महीने में 2-3 बार ये सब किया जाता है जिसमें बच्चों में उत्साह बढ़ता है और बच्चे उसको करते हैं। ये बच्ची कब से इसको याद है और इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे, क्या इसका एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है इसका? जैसे हर विद्यालय में कुछ बच्चे अलग तरह से होते हैं जो हर चीज़ को वाच करते हैं, जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं तो उन सारी चीज़ों को वो देखते हैं और मुझे लगता है कि पढ़ाने के समय में ही वो बच्चे कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जैसे उसमें से भी ये बच्ची है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो चीज़ वो कैच करती है और तुरंत दूसरे दिन अगर पूछा जाए तो इस चीज़ को बताती है। उसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं, हर क्लास में 10-15-20 बच्चे ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बच्चे हैं इनके अभिभावक भी ध्यान देते हैं तब कर पाते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा जो भी अन्य अभिभावक हैं कि कम से कम विद्यालय से जाने के बाद बच्चों में 1 घंटे का समय अवश्य दें, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 1 घंटे का समय देने से बच्चे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। ये बच्ची स्कूल में दूसरे बच्चों को भी बड़ी बेबाकी के साथ पढ़ाती है। Get it out!
चौथी क्लास की छोटी बच्ची का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज तक के लिए देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट।